कि चांद की तरह सर गंजा हो गया, बीच का पोर्शन साइड के बाल रह गए हैं, बीच का पोर्शन से बाल उड़ने लग गए हैं। एक होता है कि बिल्कुल स्कल के टॉप से बाल उड़ने लग गए हैं, सेंटर से या फिर हेयर लाइन रिसीड होने लग गई है जी, साइड से। ये मेल में मिलता है, फीमेल में तो कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं, फीमेल में कहीं से भी बाल उड़ते हैं। लेकिन क्या जेनेटिक जो है हेयर फॉल उसको भी रोका जा सकता है क्या? जी जी बिल्कुल, वहीं पे जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका रोल बड़ा स्ट्रांगली प्ले होता है। तो जैसे आपने एक दवा हमने यहाँ रखी हुई है जबरंडी क्यू, ये मदर टिंचर्स हैं। दूसरा है तो क्या ये चारों दवाइयां मेरा हेयर फॉल रोक सकती हैं? अगर रोक सकती है तो फिर मैं इन चारों को अपने सिर पर कैसे लगाऊं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। अगर आप लोगों को भी हेयर फॉल हो रहा है और आपने हेयर फॉल के लिए बहुत से प्रोडक्ट्स ट्राई किए लेकिन फिर भी आपका हेयर फॉल नहीं रुक रहा है, तो दी हेल्थ शो में आज हम डॉक्टर भावेश चंदेला जी से जानेंगे कि होम्योपैथी के माध्यम से कैसे आप अपना हेयर फॉल रोक सकते हैं। और जैसा आप देख रहे हैं कि हमारे सामने होम्योपैथी की चार दवाइयां भी पड़ी हैं, तो हम इन मेडिसिन का कॉम्बिनेशन भी बताएंगे कि कैसे इन मेडिसिन को मिलाकर यूज करना है ताकि आपका हेयर फॉल रुक सके। लेकिन उससे पहले सर से जानते हैं कि हेयर फॉल होने का रीजन क्या है, सिम्टम्स क्या है और आजकल मेल और फीमेल के पैटर्न क्या है। तो सर आपको मेरा प्रणाम। नमस्कार नमस्कार सर, दवाई जानने से पहले आप हमें बताइए कि हेयर फॉल का रीजन क्या है। जी, सबसे पहले तो जानना हमारे लिए जरूरी है कि मतलब गंजापन या हेयर फॉल, हेयर लॉस है क्या जी। जैसे हम रोजाना जो नेचुरल प्रोसेस है हमारे स्कैल्प का कि 50 से 100 बार प्रत्येक दिन हर व्यक्ति के गिर सकते हैं जी। लेकिन अब अगर जब ये प्रोसेस जो गिरने का है पर बाल उगने, अगर उससे उन जितने बाल गिर रहे हैं और जो उग रहे हैं बाल उसमें अगर कमी आ जाए उगने वाले बालों में, तो इसको हम हेयर लॉस की तरफ ले जाते हैं जी। अब ये हेयर लॉस तो हो रहा है लेकिन जैसे जैसे अगर नया बाल आया जड़ में पर वो हम जो नॉर्मल प्रोसेस है उसमें तो उसी क्वालिटी का उसी स्ट्रेंथ से बाल आना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या होता है जिसको हम थिनिंग बोलते हैं, एक टर्म यूज होता है, तो उसमें क्या होता है जो नया बाल आ रहा है टूटने के बाद वो उसकी थिनिंग होती है, उसका जड़ें कमजोर होती हैं। हाँ। जड़ें कमजोर होने के बाद क्या होता है जब वो बाल बढ़ता है थोड़ा सा एकदम से टूट जाता है जी। और कुछ समय में जो जड़ें हैं फॉलिकल जिन्हें बोलते हैं उनकी वो भी मात्रा में भी कमी होती है, उनकी जो हेल्थ होती है उसमें भी कमी आ जाती है। हाँ। तो वो जड़ें धीरे धीरे डेड होती चली जाती हैं और जड़ें जब डेड होती हैं तो नए बाल उगने नेचुरली ही कम होते चले जाएंगे। तो ये जो डिफरेंस जब बढ़ता चले जाता है और आपको पूरा क्लियर स्कैल्प नजर आने लग जाता है तो इसको हम गंजेपन की श्रेणी में रखते हैं। अच्छा, तो मतलब इसमें ये देखा जा रहा है कि जो हमारे बाल हैं जितने झड़ रहे हैं अगर उससे कम उग रहे हैं जी तो वो हमारा हेयर फॉल की कैटेगरी में आता है। और साथ ही जो नया बाल आ रहा है अगर वो पतला है और जल्दी टूट रहा है तो उसको भी हम हेयर फॉल की कैटेगरी में रखते हैं जी जी। तो लेकिन सर ये इसका रीजन क्या है, मेन क्यों इतना कॉमन आज की डेट में ये है कि स्कूल जाने वाले बच्चों तक को हेयर फॉल का सामना करना पड़ रहा है? जी जी, सबसे जैसे हम हेयर फॉल की बात कर रहे हैं अब हमें ये जानना जरूरी है कि एक तो मेल पैटर्न बाल्डनेस है। हाँ। और एक है फीमेल पैटर्न बाल्डनेस जी, क्योंकि दोनों के रीजन और जितने भी कॉजेज है थोड़े डिफरेंट होते हैं। हाँ। अब हम जैसे हम फीमेल की बात करें, फीमेल पैटर्न बाल्डनेस जो कि आजकल काफी मतलब जो पहले के कंपैरिजन में 15-20 साल पहले और आज में मतलब औरतों में यंग लड़कियों में भी हेयर फॉल की टेंडेंसी देखने लग गई है जी। तो इसमें जो सबसे पहला जो कॉमन कारण है वो तो डेफिशिएंसी हो गई। अब चाहे वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रही हो जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो इंपॉर्टेंट विटामिन हैं मिनरल्स हैं उनकी कमी हो जाए, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है आयरन लेवल्स, ठीक है, जिसके लिए हम आयरन स्टडीज भी कराते हैं कि एक तो हीमोग्लोबिन कम होना साथ में आयरन के जो स्टोरेज है स्टोर्ड आयरन वो भी कम होना, जिसमें फेरेटिन होता है और भी बहुत अनेक प्रकार के आयरन की स्टडीज होती हैं जी। तो आयरन के स्टोर्स में कमी होना तो ये एक डेफिशिएंसी का साइन है जो कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से होती है। हाँ। तो इसकी वजह से लड़कियों में बाल गिरना की शुरुआत हो सकती है जी। विटामिन डी डेफिशिएंसी और अनेक तरीके के अलग विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी जी। दूसरा जो कॉमन कॉज हुआ जिसमें कि एक हम बोलते हैं कि एलोपेशिया अरेटा जैसे एक कंडीशन है, ऑटोइम्यून कंडीशन है, अभी जेनेटिक हो सकता है कि उनके मदर फादर पे यंग एज में बाल गए हों, तो लड़कियों को भी कम एज में इस वजह से जेनेटिक वजह से बालों का गिरना हो सकता है। हो सकता है। तीसरा जो कारण है जो बिल्कुल फीमेल स्पेसिफिक ज़्यादा हो जाता है कि जिसमें कि हार्मोनल चेंजेस, जैसे कि आजकल एक हम बोलते हैं कि ये किसका रोल या PCOD बड़ा कॉमन हो गया यंग लड़कियों में या मिडिल एज वीमेन में भी, तो उसमें क्या टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़ा बढ़ जाता है शरीर में फीमेल में, होता मेल फीमेल दोनों में है एक एडिक्वेट मात्रा में, लेकिन जब ये बढ़ रहा है तो PCOD के जैसे इंटरलिंक होता है, एक PCOD एक सिंड्रोम एक बीमारी है जिसकी वजह से बहुत सारे अनेक प्रकार के हार्मोनल चेंज तो आते हैं बॉडी में फीमेल के, लेकिन साथ साथ हेयर फॉल भी उनको फेस करना पड़ता है। एक कारण जो बड़ा कॉमन होता जा रहा है कि थायराइड आजकल, थायराइड हार्मोन का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करने में,
साथ साथ बालों की ग्रोथ में भी उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है स्कैल्प की हेल्थ को मेंटेन करने में जी। तो किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया है तो ये भी एक रीज़न है कि वजन तो बढ़ ही रहा है साथ साथ, लेकिन हमने ये भी देखा जाता है उन फीमेल्स में कि बालों का गिरना भी बड़ा तेज हो जाता है जो कि एक बाल्डनेस की तरफ ले जाता है जी। एक कारण जैसे एक होता है एक हार्मोन ईस्ट्रोजन जो फीमेल में एक एडिकेट मात्रा में रहता है, लेकिन जैसे जैसे ये मीनोपॉज की तरफ फीमेल जाती हैं तो उनमें ईस्ट्रोजन की मात्रा कम होनी शुरू हो जाती है जो कि उनकी एक जनरल इम्यूनिटी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी जरूरी है, साथ साथ बालों की ग्रोथ में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो जैसे जैसे हार्मोन इस हार्मोन की कमी होती चली गई मीनोपॉज की तरफ तो भी बालों का गिरना बड़ा कॉमन पाया जाता है 30s के बाद 40s 50s में। तो एक कुछ ये कारण हो गए, बाकी हो गया जैसे कि आप तनाव कंटिन्यूस स्ट्रेस जो कि मेल फीमेल दोनों में बराबर तरीके से हो सकता है, तो तनाव की वजह से भी कंटिन्यूस प्रोलॉन्ग स्ट्रेस है, साथ में आपका लाइफस्टाइल गड़बड़ी हो गई, आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, एडिकेट न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर वर्कआउट नहीं हो पा रहा है, तो ये भी एक फीमेल पैटर्न बाल्डनेस की तरफ ले जाता है। दूसरा हमने जैसे बोला कि मेल पैटर्न बाल्डनेस, उनके कुछ अपने स्पेसिफिक रीज़न रहते हैं, जैसे कि एक एंड्रोजेनिक एलोपेशिया टर्म है जो कि मेल पैटर्न बाल्डनेस का एक कॉमन फॉर्म है, जिसमें कि हम बोलते हैं कि चांद की तरह सर गंजा हो गया, बीच का पोर्शन साइड के बाल रह गए हैं, बीच का पोर्शन से बाल उड़ने लग गए हैं। एक होता है कि बिल्कुल स्कल के टॉप से बाल उड़ने लग गए हैं, यहाँ सेंटर से, सेंटर से, या फिर हेयर लाइन रिसीड होने लग गई है जी, साइड से। ये मेल में मिलता है, फीमेल में तो कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं, फीमेल में कहीं से भी बाल उड़ते हैं हाँ। लेकिन कहीं से भी स्कैल्प के पार्ट से या एक साथ पूरे पूरे स्कैल्प से उड़ सकते हैं। मेल में कुछ पैटर्न है जी जो कि कॉमनली देखे जाते हैं, जिसमें कि एलोपेशिया एरेटा मेल फीमेल दोनों में मिलता है जी, जो कि एक जेनेटिक कंडीशन है, वो मेल में भी उसी तरीके से प्रीडिस्पोज्ड है जी। और जो मैंने फीमेल में डेफिशिएंसीज की बात करी वो मेल में भी लागू होती है हाँ, मतलब विटामिन डी सर, विटामिन B12 भी हमने बहुत कॉमन देखा है जिसकी डेफिशिएंसी होती है जी। और बहुत लोग ये भी कहते हैं कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण भी हेयर फॉल होता है। बिल्कुल, कोई भी हमारी बॉडी में जितने भी एसेंशियल विटामिंस हैं, अमीनो एसिड्स हैं या मिनरल्स हैं, कोई भी डेफिशिएंसी हो रही है तो उनका जो हमारे जहाँ पे भी खून का दौरा कम हो रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रही हाँ। है, तो सबसे पेरिफेरीज हमारी क्या, हमारा स्किन है, स्किन भी एक ऑर्गन है, उसमें अगर खून की अच्छे तरीके से खून का सप्लाई नहीं हो पा रहा, ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही, तो हमारे नाखून, हमारे बाल, बाल थिनिंग भी हो सकती है, बाल टूट सकते हैं हाँ। और अनेक प्रकार की स्किन की बीमारियाँ भी हो सकती हैं जी। और जैसे हमने ये बात तो हमने करी, अब कुछ जैसे बीमारियां भी हैं अंडरलाइन कंडीशन, जैसे कि फंगल कॉज आजकल बड़ा कॉमन देखा जाता है, फंगल कि फंगल हो गया ठीक है, एक फंगल एलोपेशिया भी टर्म है कि फंगल एलोपेशिया और एक एलोपेशिया एरेटा, वो तो जेनेटिक कंडीशन हो गई जिसमें कोई कोई बैक्टीरियल वायरल पैरासिटिक कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन फंगल एलोपेशिया में स्पेसिफिक कंडीशन पाई जाती है कि कहीं पैच बन गया है ठीक है, दाढ़ी मेल में दाढ़ी के बाल उड़ने लग गए हैं अलग अलग जगह से, तो आईब्रो के बाल जाने लग गए हैं, तो ये जो कंडीशन है ये मेल फीमेल दोनों में इक्वली ही पाई जाती है हाँ। जिसका कंडीशन की फंगल तो कॉज मतलब स्प्रेड कहीं से भी आ सकता है जी, पर इसकी वजह से भी एक एलोपेशिया जिसको फंगल एलोपेशिया बोला जाता है वो डेवलप हो जाता है, पैचेस बनने लगते हैं अलग 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 जगह, पैचेस बन जाते हैं जी। सर एक बार मैंने किसी डॉक्टर से पूछा था, उन्होंने ये बताया था, वैसे तो बहुत कम लोग ये जनरली तो लोग यही कहते हैं कि विटामिन डी, आयरन और आपका विटामिन B12 इनकी डेफिशिएंसी हेयर फॉल का कारण बनती है, लेकिन एक डॉक्टर ने मुझे बताया था कि फैट की, गुड फैट की डेफिशिएंसी भी हेयर फॉल का कारण बनती है। वो जैसे हमारी बॉडी को एक बैलेंस डाइट की जरूरत होती है, सभी और जितने भी हमारे पूरी बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए सभी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है जी। अब ऐसे तो हम ज्यादा प्रोटीन डेफिशिएंसी, खाने में प्रोटीन की मात्रा की कमी है, हम वर्कआउट कर रहे हैं लेकिन प्रोटीन या एडिकेट हमारे कार्ब्स या फिर हेल्दी अमीनो एसिड्स या फैटी एसिड्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो किसी भी तरीके की डिफिशियंसी जो हमारे बालों तक सही ऑक्सीजन पहुंचाने में हिंड्रेंस कर रही है वो सब हेयर फॉल की तरफ ले जा सकती है। अच्छा सर, आपने बहुत से कारण बताए, कुछ तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हेयर फॉल का कारण है, यहाँ तक कि बीमारियाँ भी कारण है, और उन बीमारियों से बचने के लिए जो हम दवाइयाँ खाते हैं उनकी वजह से भी हेयर फॉल होता है जी, ये भी एक रीज़न रह सकता है कि मेन दवाइयाँ जो हेयर फॉल का कारण बनती है, जैसे कि कुछ कैंसर पेशेंट्स हैं हाँ जी ठीक है, कैंसर के बाद कीमोथेरेपेटिक ड्रग ले रहे हैं जी, या अनेक तरीके की कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ दी जा रही हैं, तो वो भी हेयर फॉल, वो ट्रांजिएंट हेयर फॉल है लेकिन हेयर फॉल एलोपेशिया की तरफ ले जा सकती है। कई लोग क्या करते हैं अलग अलग बीमारियों में स्टीरॉइड्स लेते हैं तो वो भी कई बार हेयर फॉल का कारण बनती है, लेकिन सर एक कॉज है जेनेटिक जी, जो आपने बताया कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और बीमारियों की वजह से होने वाला हेयर फॉल तो हम रोक सकते हैं, लेकिन क्या जेनेटिक जो है हेयर फॉल उसको भी रोका जा सकता है क्या? जी जी बिल्कुल, वहीं पे जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका रोल बड़ा स्ट्रांगली प्ले होता है। अच्छा, तो जैसे कि हम मेल एंड्रोजेनिक एलोपेशिया की बात कर रहे हैं जी, जिसमें कि जो सबसे बड़ा कल्प्रिट होता है DHT एक हार्मोन होता है जी, जो कि टेस्टोस्टेरोन से कन्वर्ट होके
डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बोला जाता है, डीएचटी की फुल फॉर्म जो है, तो वो हमारे फॉलिकल में जब ज़्यादा मात्रा में आ जाता है हेयर की जड़ों में, तो वो बालों को ग्रोथ में हिंड्रेंस पैदा करता है और नई जड़ों को उगने में भी रोग पैदा करता है। तो इसमें बहुत स्पेसिफिक होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो कि इस डीएचटी को कंट्रोल करती है, इसके प्रोडक्शन को वहाँ पे बनने में, और बालों की ग्रोथ को प्रमोट करती है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो हम बालों के झड़ने को होम्योपैथी से रोक सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो सर कौन कौन सी दवाइयाँ हो सकती है होम्योपैथी में जो हेयर फॉल को रोकने में मदद कर सकती है और किस तरीके से वो रोल प्ले करती है? जी जी, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मेल फीमेल में अलग अलग कारण की वजह से जो एलोपेशिया हो रहा है, तो इसी हिसाब से दवाइयाँ भी बहुत स्पेसिफिक सिम्टम्स के हिसाब से और कॉज के हिसाब से डिवाइडेड है। हाँ जी। अब जैसे हमने डिस्कस करा था अभी जैसे कि ईस्ट्रोजन मीनोपॉजल विमेन है, मीनोपॉज अप्रोच कर रही है और ईस्ट्रोजन की मात्रा कम होती जा रही है, तो इसमें स्पेसिफिक दवाई है सीपीआर जो जिसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसी कंडीशन में कि आपके ईस्ट्रोजन लेवल्स को मेंटेन करेगी और मीनोपॉजल जितने भी ये आपके डेवलप हो रहे हैं ना सिम्टम्स, पोस्ट मीनोपॉजल या प्री मीनोपॉजल हो रहे हैं या पोस्ट मीनोपॉजल सिम्टम्स, उनको कंट्रोल करेगी, जिसमें कि बालों का झड़ना भी एक इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है। उसमें उन बालों के झड़ने को सीपीआर का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इस समय। अब जैसे कि थायराइड है, थायराइड किसी को है तो उसमें हम थायराइड की मेडिकेशन साथ में चलाएंगे, और एक दवा है नेट्रोम्यूर जी, आयोडिनम, जिसको हम 30 की पोटेंसी में अगर दें थायराइड वाले पेशेंट्स में और जिनको हेयर फॉल साथ में चल रहा है, तो काफ़ी अच्छा, खासकर फीमेल्स में काफ़ी अच्छा हमें रिजल्ट्स मिलते हैं जी। एक जैसे हमने अभी बात करी थी पीसीओडी की जी, अब हमें जैसे हमने बालों के लिए जो भी हम इसमें दवा अभी बताएंगे आगे हम आपको एलोपेशिया के लिए, साथ साथ हमें पीसीओडी कंडीशन भी ट्रीट करनी पड़ेगी। हाँ। तो उसको भी ट्रीट करेंगे, साथ साथ हार्मोनल बैलेंस मेंटेन होगा तो बालों की ग्रोथ भी मजबूत होगी जी। अब हमने जैसे मेल के लिए हमने अलग डिफ्रेंसिएशन करा था मेल पेटल ब्लाइंडनेस, जिसमें मैंने अभी डीएचटी का रोल बताया जी। तो हमें कोई ऐसी दवा होनी चाहिए डीएचटी को ब्लॉक करें कि भाई बालों की जड़ों में जमा ना हो, तो उसमें एक दवा आती है सेबाल सरुलेटा क्यू, जिसके बारे में हमने यहाँ पे भी हमने अपने पास रखी हुई है, इसको हम एप्लीकेशन के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं और ओरली भी दिया जाता है। तो ये क्या करता है, ये हम प्रोस्टेट में भी देते हैं, लेकिन इसका रोल एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में भी बड़ा इंपॉर्टेंट पाया गया है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है, खासकर मेल्स में। अब कुछ कॉज हो गया, जैसे हमने स्ट्रेस की बात करी, स्ट्रेस, और स्ट्रेस की वजह से अगर किसी के बाल झड़ रहे हैं तो उसमें एक बहुत स्पेसिफिक दवा है एसिड फॉस्फोरिकम, जो कि अगर तनाव की वजह से कोई हेयर लॉस हो रहा है, हेयर थिनिंग हो रही है या बाल गिर रहे हैं, तो उसमें हम एसिड फॉस 30 का रोल बहुत अच्छा पाया गया है, जो बालों की ग्रोथ को बड़े अच्छे तरीके से प्रमोट भी करता है और उनको रिटेन करने में भी हेल्प करता है। अब जैसे एक बहुत स्पेसिफिक कंडीशन है कि जैसे फीमेल डिलीवरी के बाद आपने देखा होगा कभी डेफिशिएंसीज तो रहती हैं, कमजोरी तो आती है बॉडी में, लेकिन बाल भी टूटने लग जाते हैं जी, बहुत केसेस आते हैं हमारे पास ऐसे, तो उसमें एक नेट्रोम्यूर 30 एक डोज में एक दवा है जो कि स्पेसिफिकली पोस्ट प्रेगनेंसी जो हेयर लॉस हो रहा है जो डेफिशिएंसी की वजह से, उसमें नेट्रोम्यूर 30 बड़ा अच्छा रोल प्ले करती है। अब हम जैसे जनरल उसमें है कि जैसे फंगल एलोपेशिया की बात करी जी, अब फंगल एलोपेशिया में स्पेसिफिक एक हमारा कॉम्बिनेशन है, जैसे कि बेसिलिनम 200 एक मेडिसिन है 200 डोज में, तो उसका फंगल कॉज में और थूजा, इन सब का अपनी स्पेसिफिक पोटेंसी में अकॉर्डिंग टू पेशेंट सिम्टम्स अंडरलाइंग डिजीज, अगर हम इसको प्रिस्क्राइब करते हैं तो फंगल एलोपेशिया को बड़े कम समय में और पूरा तरीके से रिकवरी की तरफ ले जाती है। और जैसे हमने हमने इंटरनल, ये तो सब इंटरनल मेडिकेशन की हमने बात करी कि ओरली हम दे रहे हैं पेशेंट्स को, साथ साथ एप्लीकेशन का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हाँ। कि हम बालों को दवाई को अप्लाई भी करें, अप्लाई करें लेने के साथ साथ, तो उससे और भी अच्छा कम समय में बढ़िया रिजल्ट, बालों की डेंसिटी भी इम्प्रूव होती है और दूसरा साथ साथ फर्दर जो हेयर लॉस है और जो ये स्प्रेड है डिजीज का, वो भी हम स्टॉप कर सकते हैं। तो सर ये तो आपने बता दी कि अलग अलग बीमारियों के हिसाब से कौन कौन से मेडिसिन देते हैं, लेकिन जितनी भी आपने बताई है ये डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बिना नहीं लेनी है। बिल्कुल, जैसे हमने कहा इतना कॉम्प्लेक्स रहता है कि अंडरलाइन कंडीशन क्या है, पेशेंट खुद आइडेंटिफाई ना कर पाए, और डोजेस को भी हमें मॉनिटर करके अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स चेंज करना पड़ता है, कॉम्बिनेशन चेंज करने पड़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, रिजल्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। हाँ। तो इसमें डॉक्टर का, होम्योपैथिक डॉक्टर का पूरा स्ट्रॉन्ग रोल रहता है ताकि उसको सक्सेस की तरफ ले जा सके, क्योर कर सके इस कंडीशन। तो सर अब आप बताइए कि ये जो मेडिसिन रखी है सामने हेयर फॉल के लिए, इनको कैसे मिला के और किस तरीके से लगाना है ताकि हेयर फॉल रुक सके? जैसे हमने स्पेसिफिक कंडीशन के हिसाब से दवाइयाँ बताई कि बहुत सारे एलोपेशिया है अलग अलग तरीके के, तो उनकी दवाइयाँ कैसे हमने देनी है वो बताया, लेकिन कुछ जनरल मेडिसिन है कि जिसको हेयर थिनिंग भी हो रही है, बाल टूटना की शुरुआत हुई है और एलोपेशिया डेवलप भी हो गया, तब भी इसको हम इस कॉम्बिनेशन में बड़े अच्छे तरीके से बालों को अप्लाई करके और बालों की ग्रोथ को, डेंसिटी को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं जी। तो जैसे आपने एक दवा हमने यहाँ रखी हुई है जबरंडी क्यू जी, ये मदर टिंचर्स हैं, दूसरा है सेबाल सरुलेटा क्यू जी, एक है अर्निका मोंटाना क्यू,
और ये चौथा जैसे हमने थूजा ऑक्सीडेंटेलेस क्यूब जी। अब इनके स्पेसिफिक रोल्स भी हैं, जबरंडी जो मैंने डीएचटी ब्लॉकर का नाम दिया, ये होम्योपैथिक डीएचटी ब्लॉकर का काम करता है, जबरंडी और सेबल सेरुलेटा। तो मेल एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में इंपॉर्टेंट रोल है, साथ साथ फीमेल एलोपेशिया को रोकने में भी इसका, जनरल एलोपेशिया रोकने में भी इसका रोल रहता है। थूजा का रोल है कि कोई भी फंगल ग्रोथ है स्किन में, स्कैल्प की हेल्थ में गड़बड़िया है कि फंगस का कहीं ग्रोथ है स्किन में, तो उसको कंट्रोल करने में हेल्प करती है, साथ साथ हेयर की रूट्स को भी ये ऑक्सीजन सप्लाई में हेल्प करती है और बालों की ग्रोथ को प्रमोट करती है जी। अर्निका, अर्निका का काम है कि सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना, हाँ। जितना माइक्रो सर्कुलेशन है उसे इम्प्रूव करती है। ओरली भी देते हैं इसको, लेकिन एप्लीकेशन से जब एब्जॉर्ब होती है स्किन के थ्रू तो बालों की जड़ों में ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाएगी, ब्लड सप्लाई बढ़ाती है, तो एक हेल्दी जो नया बाल आ रहा है उसकी हेल्थ बड़ी अच्छी आती है इससे। तो उसका पेडेंकल स्ट्रांग होता है, ठीक है, वो लंबा होगा तो टूटेगा नहीं जल्दी, और जो नेक्स्ट हेयर ग्रोथ भी होगी उसमें भी बालों की जड़ें मजबूत रहेगी, तो जब भी बाल टूट के दोबारा आएगा तो वो थिनिंग की तरफ नहीं जाएगा, स्ट्रांग बाल ही ग्रोथ ग्रो करेगा। तो हमें जो एक जनरल इसका हमें एप्लीकेशन का तरीका है कि आप 30 ml में लगभग 40 ml का एक शीशी लीजिए, उसमें 10-10 ml सबका इक्वल अमाउंट में ऐड करिए और उसको हिला के मतलब मिक्स करके पूरा और रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, 2-3 घंटे के लिए, और फिर इसको आप जब भी या तो रात को अप्लाई कर लें इसको, या फिर नहाने से 2 घंटा पहले बालों की जड़ों में अप्लाई करिए। और ये सुविधा इसको आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं मिला के, अगर आपको अगर ऑयल यूज करना चाहें तो कोकोनट ऑयल के साथ भी यूज करा जा सकता है। अच्छा, मतलब ये जो चारों है मेडिसिन जी, वैसे तो 20-20 ml की है, लेकिन हमें जो कॉम्बिनेशन जो बेस्ट रहता है 10-10 ml सबकी इक्वल क्वांटिटी, अच्छा लगभग 40 ml हो जाएगा, उसको कुछ देर रखें 1.5-2 घंटा और फिर उसको आप अप्लाई करके रखिए रात को। तो इसका फायदा क्या, अगर आप विदाउट ऑयल यूज कर रहे हैं हाँ। तो एक तो ये चिपचिपापन प्रोड्यूस नहीं करेगा, लगाते ही जो इसका कैरियर होता है अल्कोहल वो एब्जॉर्ब, वो एवोपरेट हो जाता है और मेडिसिन स्किन में इजीली एब्जॉर्ब हो जाती अच्छा। है। तो सर हम सिर पर कोई भी जो मेडिसिन लगा रहे हैं, अगर मान लीजिए ये भी लगा रहे हैं, ऑयल भी लगा रहे हैं, या कुछ भी हम अगर अपने स्कैल्प पे लगाते हैं तो क्या एब्जॉर्ब होकर जाते हैं अंदर? ये जो मेडिकेशन है इनकी टेंडेंसी है ये एब्जॉर्ब हो जाती है इजिली। अच्छा, तो ये बालों की जड़ों में जाके इसको काफी हद तक, इसको जो मैंने जो जो आपको बताए हैं अपना एक्शन भी करती है और नई बालों के जड़ों को मजबूती भी पैदा करती है। तो ये तो फिर डैंड्रफ रोकने में भी मदद कर सकती है, जो थूजा का रोल है वो डैंड्रफ रोकने में भी आता है ये वाली थूजा। हाँ, बाकी सिर्फ एक ही मेडिसिन का इसमें रोल है, और तो वो भी इसलिए भी दिया जाता है कि डैंड्रफ भी हेयर फॉल की को बढ़ावा देता है जी। तो बाल जो नया है अगर डैंड्रफ है या फंगल डैंड्रफ है तो वो उसको दोबारा डैमेज कर सकती है। हाँ। सर अगर हमने इनका कॉम्बिनेशन लगाया है, अब आपने कहा उसके बाद बालों को धोना है जी, अब हम नहीं चाह रहे कि मार्केट में मिलने वाले वो केमिकल वाले शैम्पू लोग यूज करें, तो होम्योपैथी में अच्छा शैम्पू कौन सा रहेगा जिससे बालों को धो सकते हैं? बाकी तो जैसे हमें जो भी शैम्पू हम इसमें यूज़ करें प्रेफर करें कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करें, कि उससे स्कैल्प ढंग से क्लीन हो जाता है जी। होम्योपैथी में जैसे कुछ अर्निका बेस्ड शैम्पू आते हैं, कैलेंडुला बेस्ड शैम्पू आते हैं, एक कैंथ्राइडिन शैम्पू आता है, तो वो सब उनमें से कोई भी एंटी डैंड्रफ फॉर्म में, एंटी डैंड्रफ उसके बेस में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये तो शैम्पू हो गया सर, कई लोगों को ना आदत होती है ऑयल लगाने की जी। अब मार्केट में मिलने वाले 98% ऑयल मिलावटी है, वो प्योर कह के बेचे जाते हैं लेकिन वो है मिलावटी, और बाकी जो वुडन प्रेस कोल्ड प्रेस बेचे जा रहे हैं वो चिपचिपे होते हैं जी। अब होम्योपैथी में अच्छे ऑयल कौन से हैं जिनको लोग यूज़ कर सकते हैं? जो सबसे कॉमनली हम प्रिस्क्राइब करते हैं एक जबरंडी, जैसे हमने ये टिंचर फॉर्म में बताया जी, ये लोशन और ऑयल फॉर्म में भी आता है जी। तो लोशन जैसे जिसको कोई चिपचिपापन से दिक्कत है या कि डैम्पनेस से दिक्कत आती है, बालों में इचिंग वगैरह जाती है, तो आप सीधा लोशन फॉर्म में उसको अप्लाई कर सकते हैं, वो चिपचिपापन भी नहीं करता और एब्जॉर्ब भी होता है स्किन में जी। और बाकी एक शैम्पू आता है अर्निका, अर्निका एक शैम्पू हम यूज़ करते हैं जो कि बालों में जड़ें तो मजबूत करता ही है, साथ साथ बालों में जो जैसे ग्रेइंग ऑफ हेयर्स है उसको रोकने में भी उसका काफ़ी अच्छा रोल रहता है। तो मतलब अर्निका शैम्पू और ऑयल दोनों आते हैं जी, दोनों फॉर्म में आता है, ऑयल फॉर्म में भी है और उसको हम शैम्पू में भी, बहुत सारे शैम्पू ऐसे हैं जो अर्निका को अपने बेस में यूज़ करते हैं और वो भी बड़ा हेल्पफुल रहता है। सर कई लोगों के सिर में ना बहुत खुजली होती है, तो वो कई बार तो कोई फंगल इन्फेक्शन जैसा आपने कहा उस वजह से भी होती है, लोगों के डैंड्रफ बहुत हो जाते हैं उस वजह से भी होती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या ये उसमें भी काम आएगा? बिल्कुल, जो हमने कॉम्बिनेशन अभी बताया है आपको इसमें जो जो हमने थूजा मेडिसिन ऐड करी है जी, इसका एंटी फंगल रोल भी है हाँ। और बाकी जो मैंने ओरल हम मेडिसिन देते हैं इसमें नेट्रम म्यूर वगैरह दी जाती है, बेसिलिनम दी जाती है और भी अनेक तरीके की दवाइयाँ हैं जो कि अगर हम ओरली और एप्लीकेशन दोनों साथ में अगर हम कंबाइन करके अपना ट्रीटमेंट कराएंगे डॉक्टर से तो वो पूरा अच्छा बहुत ही बढ़िया कम समय में रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। बाकी सर खान पान में किस तरीके का ध्यान रखें, क्योंकि हेयर फॉल या तो जेनेटिक या बीमारी की वजह से है लेकिन ज़्यादातर लोगों में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से है जी, तो फिर उसमें किस तरीके के खान पान को ज़्यादा खाया जाए? जैसे हमने बोला कि आजकल जैसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल काफ़ी हो गई है, तो हाँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक्टिव रहिए
आप जितना अपना अच्छा एक्टिविटी मेंटेन करेंगे, खासकर कोई भी एरोबिक एक्टिविटी जिसमें कि स्पोर्ट्स हो गए अनेक तरीके के, साइकिलिंग, स्विमिंग या सिंपल चीज है कुछ समझ नहीं आता तो दौड़ने निकल जाइए और मॉर्निंग वॉक करिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक सबसे नेगलेक्टेड जो चीज होती है, विटामिन डी पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी आजकल 90-95% लोगों में मिलती है, जो एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का पार्ट है। तो हम इजीली विटामिन डी सुबह की धूप में आधा घंटा अगर हम वॉक कर लें, हमारा एरोबिक एक्टिविटी तो हो ही रही है जो कि सर्कुलेशन बढ़ा रही है, बालों की ग्रोथ, बालों में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा रही है, विटामिन डी भी हमें मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। ठीक है, बिना किसी अलग से एफर्ट करे तो विटामिन डी भी हमारे बालों में, जो हम ग्रेइंग की चिंता करते हैं आजकल, कम लोग, कम एज में लोगों के बाल सफ़ेद होने लगे हैं, तो ग्रेइंग को भी रोकने में हेल्प करता है, साथ साथ बालों की जड़ों को हेल्दी, टेस्टोस्टेरोन लेवल मेंटेन करना, जनरल इम्यूनिटी को मेंटेन करने में भी उसका रोल रहता है। तो एक इंपॉर्टेंट विटामिन हमारे थोड़े से मॉर्निंग के एफर्ट से हम गेन कर सकते हैं आराम से। और बाकी जो डाइट में हमने बताया कि एक बैलेंस डाइट, जो प्रॉपर हमारी इंडियन डाइट है, वो इतनी हाईली न्यूट्रिशियस है कि हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अपना जो बचपन से आप प्रॉपर घर का मील खाते हैं, जिसमें फल, सब्जी, सैलेड, एडिकेट फाइबर्स की मात्रा है, डेयरी प्रोडक्ट, सबका एक बैलेंस बना के रखें। अच्छा, मतलब सीजन में आने वाले जो भी फल और सब्जियां हैं ना, उनको प्रॉपर मात्रा में खाओ अपनी बॉडी के। बिल्कुल प्रॉपर मात्रा में खाएं, जो सीजनल फ्रूट हैं वही सबसे ज्यादा बेनिफिट करेंगे हमें। ठीक है, हम फाइबर मात्रा में रखेंगे, एडिकेट वाटर इनटेक रखेंगे, जब पानी की मात्रा सही रहेगी शरीर में तो उससे क्या होगा, सर्कुलेशन इंप्रूव रहता है जी, सारे ऑर्गन प्रॉपर फंक्शन करेंगे, बालों की, नाखूनों की जड़ों में अच्छी तरीके से खून का दौरा भी बनता है और ऑक्सीजन सप्लाई भी बढ़ती है। ऑक्सीजन मिलेगी ढंग से तो जो नई जड़ें बन रही हैं वो काफी मजबूत भी बनेगी और सस्टेनेबल भी होगा हेयर ग्रोथ। हो ऐसा नहीं होगा कि बाल हो गए कुछ टाइम में फिर झड़ने लगे, वो परमानेंट एक तरीके लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सॉल्यूशन मिलेगा उसमें आपको। सर एक लास्ट क्वेश्चन, बहुत जगह हमने सुना है और पढ़ा है कि जितनी भी बीमारियां होती है उसका जो मेन रीजन होता है वो हमारा पेट या कह सकते हैं कि गट होता है, तो ये एक बात कितनी सच है कि खराब गट और खराब पेट की वजह से भी बाल झड़ते हैं? बिल्कुल, अब जैसे कि अंडरलाइन कोई भी बीमारी, अब पेट खराब होना, जैसे किसी को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, या फिर किसी को कोई टाइफाइड या जॉन्डिस से पीड़ित है जी, तो इसमें भी पाया गया है कि आपकी बॉडी में जब पेट ही खराब है तो जब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की बात करते हैं जी, जो कि आपकी इंटेस्टाइन से डाइजेस्ट होकर एसिमुलेट होना है हाथों से ही, जब आपकी इंटेस्टाइनल सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ही एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है न्यूट्रिशन का, कुछ भी खा लीजिए बॉडी एब्जॉर्ब भी नहीं कर रही है, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो होनी है। इसमें कि आयरन डेफिशिएंसी कॉमन है, विटामिन B12, विटामिन डी और अनेक तरीके की अलग डेफिशिएंसी इंक्लूडेड है, जब शरीर अब्जॉर्ब नहीं कर रहा है तो शरीर को मिलेगा कैसे? तो इसलिए हमारा गट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि सबसे कॉमन हमारी एक इंडियन स्पेसिफिक डाइट है कि दही, मट्ठा, छाछ, हम कुछ भी बोलें जी, जितने ये सबसे हाई प्रोबायोटिक डाइट है, नेचुरल प्रोबायोटिक डाइट है, नेचुरल है, इसको हम अपनी डाइट में रखें, सलाद, फल, प्रॉपर सब्जियाँ, जो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उसको हम रखेंगे तो प्रॉपर हमारा गट हेल्थ वैसे ही मेंटेन हो जाएगी। बाकी रेगुलर एक्सरसाइज करें, बिल्कुल, और प्रॉपर टाइम पर सोए और उठे, और फास्ट फूड, जंक फूड को अवॉइड करें, मतलब आप हर चीज का बैलेंस रखिए, अगर बैलेंस भी खा रहे हैं उसका एक बैलेंस रखिए, और अल्टीमेट मतलब 80-90% आपकी डाइट में हेल्दी फूड होना ही चाहिए जी। तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हेयर फॉल के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और मेडिसिन हमारे साथ शेयर करी। तो उम्मीद करते हैं सर ने जो भी मेडिसिन बताई हैं जो डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन से लेनी है तो आप उसे डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन से ही लेंगे, और अगर आपको कंसल्ट करना है तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, सर का एड्रेस और कांटेक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जहां आप ऑनलाइन भी कंसल्टेंसी ले सकते हैं जी, ऑडियो वीडियो कॉल पे, और चाहे तो फिजिकली भी हरिद्वार में जो सर का सेंटर है यहां पे आ सकते हैं। बाकी ये कॉम्बिनेशन जो सर ने बताया, इन कॉम्बिनेशन को भी आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे सर के माध्यम से और अलग अलग डॉक्टर्स के माध्यम से आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दें, ताकि आप इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सके। धन्यवाद, थैंक यू सर।